अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज हम लोग ग्रॉसरी करने गए हुए थे, तो पहले हम लोग सब्ज़ी मंडी गए, जेलम की जो सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है वहाँ गए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है यार, इतनी कीमतें दो दो तीन तीन चार चार गुना बढ़ गई हैं यार, इतनी महंगाई हो गई है। तो सबसे पहले हमने सब्ज़ी खरीदी, मैंने तकरीबन तीन चार सब्ज़ियाँ ली, करेले ले लिए, फ्रूट्स में सेब और केला ले लिया, साथ में पालक ले ली, ये भिंडियाँ ले ली। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको एक दफ़ा धो के, भिंडियों वगैरह को तो मैं धो के उनको काट के फ्रीज़र में रख दूँगी, तल के फ्रीज़र में रखूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना, फिर क्या हुआ, प्याज लिए। प्याज तो इतनी महंगे हो गए हैं सलाद की वजह से, इन्होंने चीज़ें डबल कर दी हैं। कहते हैं जी ये सिंध से आ रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। साथ में मैंने धनिया पुदीना लिया, उसके साथ बैंगन लिए, बैंगन तो मैंने कुछ चढ़ा भी दिए पकाने के लिए, खीरे लिए, लीमू और मिर्चें ली। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जब सौदा इकट्ठा ले लेने का फ़ायदा ये होता है, जिस तरह अब मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, ये मैं धो के इन्हें खुश करके किसी कपड़े में, तो फिर इन्हें फ्रिज में रखूँगी, फिर ये ताज़ी रहती हैं, ख़राब नहीं होती। खीरे भी इसी तरह ले लिए, तो साथ में जो है ना बैंगन, मैंने कहा आज रात के लिए बैंगन बना लेती हूँ, तो हम घर के तीन बंदे हमारे लिए इतने काफ़ी हैं। उसके साथ कुछ ये बैंगन है, इनको मैं ना धो धा के, तो इसको भी खुश करके तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये थी जी मेरी जो है ना, जो सब्ज़ी मंडी में गए, जितनी वहाँ पे हमने की ये वो है। उसके बाद सब्ज़ी मंडी के बाद हम लोग चले गए थे क्या नाम है, यू मार्ट। यू मार्ट से हम घर के सारा सौदा सलफ लेते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई। आज मैंने फ्रूट राइफल बनाना है, तो इसलिए फ्रूट राइफल की चीज़ें भी लेके आई हूँ। किस किस को बैंगन जो है इस तरह पकाने पसंद है, दूसरी तरह जो टुकड़े काट के पकाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना बैंगन को आज इस तरह पकाया जाए, ठीक है। इस तरह ऊपर की इनकी स्किन को मैं जला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जल जाए, तो फिर इसको उतार के, छिलका उतार के जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसको मैं मैश कर लूँगी मैशर से। हाँ, जो कि बाहर बहुत गर्मी है, तो अभी ये मैंने सारा जो सामान लेके आए इसको भी मैंने समेट रहे हैं, लेकिन पहले मैंने सोचा पहले पानी पी लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मुझसे थोड़ा सा सामान लिया नहीं जाता, मुझे टेंशन होती है कि ख़त्म ना हो जाए, हालाँकि हम घर के सिर्फ तीन बंदे हैं, तो सामान आप हमारा देख सकते हैं। ये मैंने चार जो है टूथपेस्टें ले ली, उसके बाद जो है मैंने बर्तन धोने वाली चीज़ें जो है ना, वो मैंने ना दो ले लिए, ये विम के डबल मतलब चार हो गए, तो साथ में ये वाली दो ले ली। उसके बाद मिरप के वाइप्स लिए, टिशू का रोल लिया, सॉरी टिशू का डिब्बा लिया, टिशू का रोल बड़े वाला नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी अभी पास पड़ा था। अभी मैं कुछ सामान देख के गई थी कौन सा सामान पड़ा है, तो ये समझ लें कि हमने कुछ सामान अभी इसमें से नहीं लिया। स्वीप की दो ली ये वाले की, उसके बाद कपड़े धोने वाली ब्लीच ली, ये जो आदमी अपना शैम्पू लिया, उसके बाद बर्तन धोने वाला विम ले लिया, उसके बाद साबुन चेक करें ये जो है ना लक्स वगैरह, ये जवाद और मेरे ससुर यूज़ करते हैं, और जो ये है जॉनसन वाला, ये मीरव यूज़ करती है। ये एक पियर लिया, इसे मैं इंशाल्लाह मैं अपना फ़ेस वॉश बनाऊंगी, तो वो आपसे मैं उसकी भी शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपना फ़ेस वॉश बनाऊंगी। डव जो है मैं बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ, तो अपने लिए डव लिया। ये तीन एक्स्ट्रा ले लिए कि क्योंकि मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं, तो फिर मुझे टेंशन रहती है कि कोई चीज़ कम ना हो, ज़्यादा हो जाए कम ना हो। उसके बाद जी चाट मसाला ख़त्म हुआ था, वो ले लिया। मीरब के लिए नूडल्स ले लिए, मीरब नूडल्स खाती है, मीरब का शैम्पू लिया। उसके बाद मीरब की नीपल्स ख़राब हुई हुई थी, तो हमने वो ले ली। तो उसके बाद ये मैंने जेलेटिन पाउडर ले लिया, मुझे चाहिए था, बेकिंग में ज़रा काम आता है। तो उसके बाद चाय जो है वो टपाल दानेदार, पहले हम लोग जो है ना यूज़ करते थे, पहले सुप्रीम करते थे, फिर उसके बाद दूसरी क्या नाम लिप्टन, लेकिन अब मैं ना टपाल दानेदार की आदि हो चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद आई है ये वाली, ज़रा कड़क सी होती है। उसके बाद सॉल्ट लिया, उसके बाद जो है ना स्पैगेटी
पास्ता लिया। उसके बाद ये दो किस्म की ली, ये मैक्रोनी ले ली, पास्ता ले लिया और ये स्पैगेटी भी मैंने ली, ये तीन ये ले लिए। किस को पास्ता स्पैगेटी वगैरह बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए ये तीनों मैंने ले ली। उसके बाद ये ले लिया शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए। उसके बाद ये गरम मसाला का पैकेट, मीरब ने बिस्किट लिए जो मीरब ने रस्ते में खोल लिए थे, ये ले लिए बिस्किट मीरब के। उसके बाद मैंने डालडा घी के दो पैकेट लिए, ये हमारे महीना से ज़्यादा ही चलते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि हम लोग ये घी जो है पराठों पे यूज़ करते हैं, पराठों पे भी इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारा देसी घी ख़त्म हुआ हुआ हो तो, वरना देसी घी जो है ना पराठों पे यूज़ होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा मुझे चाहिए था, वो मैं लेके आई। उसके बाद ऑलिव ऑयल की ज़रूरत थी, ये ख़त्म हुआ हुआ था, ये लेके आई। डालडा कुकिंग ऑयल के ना हमें 5 पैकेट वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड जो है ना पेस्ट, मीरब की नगेट्स बनाए थे उसमें यूज़ होना है तो इसलिए मस्टर्ड पेस्ट लिया। उसके साथ चिली गार्लिक सॉस ली मैंने। तो पहले तो वैसे मैं पैकेट वाले जो है ना केचप और चिली गार्लिक सॉस लेके आती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने बॉटल ले ली कि मैंने कहा आगे से पैकेट लूँगी, अगर जब ये ख़त्म हो जाएगी तो उसमें बंदा वो डाल लेता है। पिज़्ज़ा बनाना था तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले ली। ये मीरब को मैंने सूप बना के देना था तो उसमें मैंने ये नमक के भुट्टे लिए दो के मीरब को सूप बना के दूंगी, क्योंकि मीरब का ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। तो मैंने कहा मीरब ये आप क्या कर रहे हो, क्यों चीज़ों को गिरा रही हो। उसके बाद जी बारी आ जाती है सरफ। सरफ मैं लेती हूँ 1 kg एरियल और 1 kg मैं सरफ एक्सल लेती हूँ, इन दोनों को मिक्स करके दिलवाती हूँ। उसके बाद जी बारी आ जाती है इस शॉपर की, इसके अंदर जो है ना दालें वगैरह। मीरब का कोई हाल नहीं है, बस ऑयल का डिब्बा नीचे फेंक दिया, उसके ऊपर बैठी है तो पीछे गिर गई है, तो रोना शुरू हो गया। सोडा सारा इसने बिखरा दिया है। चलिए जी अब बारी आती है मसालों की, तो इसमें दालें हैं और मसाले हैं। माश की दाल ली मैंने, सारी दालें नहीं ली क्योंकि दालें जो है ना वो काफ़ी पड़ी रहती हैं, मतलब पकती नहीं है, तो ये वाली कुटी मिर्च। उसके बाद दालचना जो है ये ऑर्गेनियो लिए हैं, उसके लिए जो है ना स्पैगेटी वगैरह में मैं डालती हूँ, ठीक है। उसके ऊपर बहुत अच्छा टेस्ट आता है पिज़्ज़े के ऊपर। वो खुश्क धनिया 2 पैकेट ले लिए, धनिया तो मेरा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद जी ये क्या नाम है, पहले भी 1 पैकेट गरम मसाले का निकला है, ये दूसरा पैकेट गरम मसाले का, 2 पैकेट लिए। उसके बाद जी हमने लिए सफ़ेद चने, ये आधा आधा किलो के पैकेट मैं लेती हूँ कि फिर भी पड़े रहते हैं। उसके बाद जी ले लिए, अभी वैसे पिछले भी पड़े हुए थे। उसके बाद हम मैंने ले लिए काले चने। ये ज़रा मीरब का हाल चेक करें, मीरब ये क्या कर रही हो बेटे, ये बच्चों वाले घरों में हिसाब होता है। उफ अल्लाह। उसके बाद जी ये मैंने ली इमली, इमली वाली चाट मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ सुरख मिर्च ली, हल्दी पाउडर वगैरह, जो कुछ मसाले हैं ना वो भी मेरे पैकेट के पैकेट पड़ा था तो वो मैंने फिर नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद काली मिर्च, ये जी मेरी सारी ग्रॉसरी थी जो मैं करके लाई, आपको कैसी लगी। अच्छा जी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।